ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ रविवार को जयपुर में आईपीएल की अपनी फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स के प्री टूर्नामेंट एम से जुड़े। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी की कोशिश में जुटे स्मिथ से राजस्थान रॉयल्स को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए डेविड वॉर्नर भी भारत पहुंच गए। वे सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं। जयपुर और हैदराबाद में दोनों खिलाड़ियों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। टीम के ब्रांड एम्बेसडर शेन वॉर्न को भी उनकी प्रतिभा पर भरोसा है। वॉर्न ने कहा, स्मिथ के अनुभव, जुनून और रनों की भूख का टीम को फायदा मिलेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि स्मिथ और वॉर्नर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। दोनों ने दुबई में अपनी राष्ट्रीय टीम के साथियों से मुलाकात की। इससे पहले स्मिथ और वॉर्नर ने कोच जस्टिन लेंगर के बुलावे पर दुबई में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ समय बिताया। दोनों खिलाड़ियों के लिए आईपीएल टूर्नामेंट खास रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उन्हें यही टूर्नामेंट खेलना है। बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद स्मिथ वॉर्नर पर लगा 12 महीने का प्रतिबंध भी 28 मार्च को हट जाएगा। स्मिथ क्रिकेट खेलने को बेताब। वॉर्न ने कहा, स्मिथ क्रिकेट खेलने को बेताब होगा, उसे इससे प्यार है, वह इसमें माहिर है। मुझे यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान की रनों की भूख कम नहीं हुई होगी। स्मिथ और वॉर्नर दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से हैं। मुझे लगता है कि स्मिथ का प्रदर्शन शानदार रहेगा। वॉर्न ने एश्टन टर्नर की भी तारीफ की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी एश्टन टर्नर 1 अप्रैल तक उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि वे पाकिस्तान के खिलाफ 22 से 31 मार्च तक होने वाली 5 वनडे की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा हैं। उनके बारे में वॉर्न ने कहा, वे कमाल के खिलाड़ी हैं। आपने मोहाली में देखा कि वे क्या कर सकते हैं। हमारी टीम में हमेशा 1 या 2 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के कारण वे पहले 3 मैचों से बाहर रहेंगे।